मैया युति आके खलो गया, आख लगा बिलाल मैं मार दिया थक जाना वा, तू मारी खांदिया थकदा नहीं। ओए गुजर कराया दियो चौधरी इधर जुमले सुनिया नहीं, मेरे नबी दा आशिक बोलिया फरमाया उमैया पीछे आ जा, तेनू पता नहीं मेरा सौदा दरबारे नबवी विच हो गया। जी बाबा जुमले सुनिया जे है, मैं वेख गया वा, मैं वेख गया वा, साडा सौदा हो गया जे, असा मोहम्मद पाक बारगाह विच साडा सौदा हो गया है, असी मोहम्मद कुर्बान हो गए, असी नबी तो कुर्बान हो गए। बाबा जी जुमले सुनिया ने मैया आखन लगा बिलाल जो मैं घोड़ा मारने की पोजिशन लैना, बिलाल अखा बंद कर लैना है, चेहरा वजूहा सुनी बिलाल अखा बंद कर लैना है, बिलाल दर्द आ बिलाल तकलीफ आँदी है। फरमाया उमैया पिछा हो जा, जो तू घोड़ा मारन की पोजिशन में आना है, मैं अखा बंद कर लैना, मैं अखा बंद कर लैना। आखन लगा बाबा जुमले समाध कर आ रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम जुमले दरबा देने वाले ने जनाबे बिलाल आते ने उमैया जो तू घोड़ा मारन लगना है मेरिया अखा बंद हो जा, बिलाल अखा बंद दर्द की वजह तो करना है। उन्हें आखिया मुशरका चलना होया है, जड़ी मारी यार पिछे पवे उहदे विच दर्द नहीं आता मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है, जड़ी यार पिछे मार पै जाए उहदा दर्द नहीं आता, उहदा तमाशा नहीं आता, उस दर्द विच प्यार आता है, उस दर्द विच मजा आता है। मैया आखन लगा अख बंद क्यों करना है, बाबा जी जुमले सुनियो अख बंद क्यों करना वे, आखन लगा मैया जो तेरा कौड़ा मेरी कंड ते लगता है मैं अख बंद करना वा, जो अख बंद करना वा मेरे सामने मेरा यार मोहम्मद आ जाता जी। अच्छा सुन इश्क नाल, मेरे सामने नबी आंदा है, मेरे सामने मेरा महबूब आंदा है, मेरे सामने नबी आंदा है, ते अखा बंद करके फिलहाल की आंदा है, रो रो की आंदा है, याद तेरी दा मैं दीवा पा लिया, इश्क नाल याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा, क्या बात गुजर कराया लियो है, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, आवी जा आवी जा तवजो, आवी जा आवी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ा। हज़रात ज़ीवकार, आज दी ए सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा गुजर गुराया दे अंदर इनेकात पज़ीर है, बानिया ने महफल बिलखसूस अलामा साहब आप दी मस्जिद इमाम जिन्हां दी मेहनत दे नाल हर साल ये बज़म सजाई जाती है, अल्लाह करीम बानिया ने महफल पूरी अंजमन मिलाद मुस्तफ़ा गुजर गुराया जिन्हां ने हर साल दी तरह इस साल भी इस बज़म नूं सजाया, अल्लाह तुहाडा महफल सजाना कबूल फरमाए। ओ बचियो, ओ बचियो, चुप करो, हुण शोर ना पायो नहीं तो मैं तुहानू एक साइड ते भेज देना, ये सामने बहना जे मुहब्बत ना खामोश हो के। ये बड़ी खूबसूरत महफिल पाक सजाई गई, मेरी ये दूसरी हाजरी है तो माशाल्लाह इन्हां दी मेहनत है, साउंड भी सियालकोट तो बुलाया इन्होंने, वीडियो भी बन रही पूरी दुनिया तक जा रही है, सऊदीया तक, ओमान तक, दुबई तक, यूरोप तक, अमेरिका तक इन्हां दा नैटवर्क है माशाल्लाह, ये भी बयान और पूरी महफल पूरी दुनिया वेखेगी और जिथों तक आवाज़ आवे तो सुनने वाले पता लगे कि वाकई गुजर गुराए वाले मुहब्बत रखने वाले लोग ने, इश्क रखने वाले लोग ने। बाबा जी एक तो कैमरा यह लगे ना, यह जरा साउंड वाले भाई ने लाया,
एक कैमरा अरशे मुअल्ला ते लग्या। यह जिहड़ा कैमरा हो सकदा किसी नूं कैच करे किसी नूं ना करे, कोई जिहड़ा पिछे बैठा होवे नज़र ना आउंदा होवे, जिहड़ा सामने नज़र आउंदा होवे। गुजर गुराया लियो, जिहड़ा अल्लाह ने कैमरा लाया ना वह अल्लाह का कैमरा पूरी मस्जिद नूं वेख रहा कि केड़ा मुहब्बत ना बैठा है, केड़ा किस तरह केड़ा गल्लां पिया करदा है, केड़ा इश्क ना बैठा है, केड़ा खामोश बैठा है, केड़ा मुहब्बत नाल इश्क लैके परीत लैके बैठा है। मैनू जिहड़ा मौजू दिता गया इंशाल्लाह उस मौजू ते दो चार गल्लां करनियां ने, उस तो बाद इजाजत। तुसी बड़ी मुहब्बत नाल महफिल सजाइए और लंगर भी पकाया। अल्लाह सदा इस पिंड नूं वसदा रखे। ये बड़ी सोहनी महफिल तुसी सजांदे हो हर साल, इस साल भी कारी साहब ने राबता किया, नचीज़ हाजिर है। बाबा जी महफिल विचों ओही बंदा कुछ लैके जाता जिहड़ा लैन आया होवे, जिहड़ा कुछ लैन आया होवे। जिन्हें कुछ लैना ना ना होवे ते फिर उहदा मंगण वाल ध्यान नहीं आउंदा, उहदा मंगण वाल ध्यान। तुहाडे दरवाजे ते मेरे बूवे तो कोई मंगण वाल आवे ते मूँह परां करके आखे जी अल्लाह दे नां ते दिओ, तो हर बंदे ने कहना यार जे मंगना ही तो चज ना मंग, जे मंगना ही आ तो चज नाल मंग, जे तैनू मंगण दा भी चज नहीं तो फिर फायदा की। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है, महबूब दे वेड़ियों तो कदी कोई दुश्मन भी खाली नहीं गया। ये तो फिर सारे हजूर दे उम्मती बैठे ने, नकीबे महफल साहब कि खूबसूरत तुहानू जगाया, सुती वाम नू जगा छड़िया, तो घरां विच भी जगा छड़िया। इन्हां दी मुहब्बत है। अफजल कादरी ने बड़ा सोहना पढ़िया, वो दूसरे बच्चे ने बड़ा सोहना पढ़िया। अल्लाह सब बच्चों सलामती अता फरमाए, इल्म अमल अंदर बरकत अता फरमाए। गल शुरू हो गई, इंशाल्लाह टाइम दे नाल दुआ होएगी कि जेडे सुबह उठ के फजर भी पढ़ सकीए, क्योंकि तुसी काम काज वाले बंदे हो, असी तो मौलवी असा नमाज पढ़ा के सोई जाना जी गल सीधी है। तो टाइम के नाल ही शायद फौरन बाद महफिल शुरू होवे, एक दो नात होवे, जिवें वेखो ना बड़े टाइम के नाल बयान शुरू हो गया। नहीं तो कई जगह तो 12 बजे तो मौलवी नूं लांदे ने जो आम ही सुती होंदी है, तो उत्थे फिर मौलवी की करना जी। तो यह बड़े टाइम के नाल तुसी बयान शुरू करा दी, तो इंशाल्लाह घंटा सवा घंटा बयान होएगा, उस तो बाद इजाजत दुआ होएगी लंगर होएगा जी। वेखे ना बच्चे फिर इन्हों उठा के पिछे करिए, बंदियां ने मौलवियां नूं बच्चे चंगे नहीं लगते। पहला इंतजामिया का हक बनता भी सियाने बंदे अगे आन, तो बच्चे जेडे ने इस साइड से बिठा देन, इस साइड से बिठा देन। अगों जो महफल कराओगे तो यह ध्यान रखियो, कर साहब खसूसी तुसी मेहरबानी करो कि बच्चों ना आराम सुकून अदब नाल आख्या पुत्र तुसी इधर आ जाओ, जिहड़े सियाने बंदे ने उन्हें कोई सुनना, इन्हां नूं की पता लगना इन्हां ते वेहना किहड़े 10 रुपये मेरे वाल आउंदे पए ने। हसना नहीं हो, खामोशी, मस्जिद अल्लाह दा घर। इस वास्ते मैं इस लई गल कीती वी बच्चों नहीं पता वी मौलवी किहड़ी तकरीर करनी ते किहड़ी, क्योंकि इन्हां दी उमर ही नहीं। इन्हां नूं मुहब्बत ने एक साइड ते बिठा छड़िया कि नाल कोई 2-4 सियाने बंदे बह जाण। इधर जी मेरे वल तवज्जो फरमाओ। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करना अज चेहरा मुबारक दा जिक्र, जिन्हों अल्लाह फरमांदा ये चेहरा वो चेहरा है, चेहरा वजहुल्ला है। वजहुल्ला दा मतलब की है? जलाल वाला, अल्लाह वाला चेहरा। बाबा जी जुमले समाज फरमायो, अल्लाह चेहरे तू पाक है, अल्लाह चेहरे तू, बोलो अल्लाह चेहरे तू, अल्लाह हथा तू, अल्लाह अखा तू, अल्लाह पैरां तू पाके, अल्लाह मकान तू। या अल्लाह ना तेरे हाथ ने, या अल्लाह ना तेरी अखा ने, या अल्लाह ना तेरा चेहरा है, या अल्लाह जे तैनू वेखना होवे तो फिर की करिए। मेहरबानी करो, जे तैनू वेखना होवे तो फिर की करिए। मैं पिछले साल भी हकीम अब्दुल अहद साहब रहमतुल्लाह अलैह दी गल सुनाई सी, ते इस साल भी तबरकन मैं गल कर लगा। हकीम साहब कोई बंदा आ गया तो आखन लगा जी अल्लाह ताला दा तो चेहरा ही कोई नहीं, तो वेखना किनू में, मनना किनू में। तो हकीम अब्दुल अहद साहब मुस्कुरा के आखन लगे मैं तुम्हें गुर की गल दसा। आखन लगा हकीम साहब दसो, फकीर सन औली अल्लाह सन। आप फरमान लगे कुरान नहीं पढ़िया? उन्हें क्या पढ़िया? आपने फरमाया कुरान आंदा मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिन्हें रसूल अल्लाह की अतात की उन्हें। ये तो पता ही लग गया कि जिहड़ी गल नबी पाक दी है वही गल अल्लाह दी है, जिहड़ी गल रसूल अल्लाह दी है वही गल परवरदिगार आलम दी है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा,
अल्लाह फरमांदा ये मेरा सोहना मुहम्मद कदी बोलिया ही नहीं, या अल्लाह कदों बोलदा? फरमाए जो मैं हुक्म करना, जो अल्लाह आर्डर करदा ना सोहना फिर बोलदा। जे अल्लाह कुरान च फरमांदा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तो हकीम साहब फरमान लगे यार नू वेख लो यार नज़र आ जाएगा। आए हाय यार नू वेख लो पिछे यार ही नज़र आएगा। मुहम्मद दी मीम चुकी है ना तो थले ओ ही नज़र आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी मेरे वाल तवज्जो करो, मीम हा मीम दाल की बनया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा पहली मीम नू चुको, पीछे की रह गए हमद कौन है? मेहरबानी करो जो समझदार बंदे हो, एडी बरीकी नाल तो और मैं जा नहीं सकता जिड्डी पंजाबी दे अंदर मैं सादी जुबान अंदर तुहानूं बस समझाना। हकीम साहब ने क्यों आख्या? चार लफज ने हजूर दे नाम विच, पहला लफज हटाओ मीम दा चुक पड़दा। हाय हाय मीम दा मुखड़े तू चुक पड़दा। ये बाबा जी खास गल्लां ने, आम लोगों विच करन वालियां नहीं, मैं अगे गहराई तक नहीं जा सकता। जुमले समाध फरमाए जे पिछू पिछू हमद ही नज़र आएगी, हमद है ओदी, तारीफ है ओदी। अल्लाह कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, फरमाया सोहणिया मैनू तेरे चमक दे चेहरे की कसम है। वल्लैली इज़ा सजा, मैनू तेरिया सोहणिया गणियां ते कालियां जुल्फां की कसम है। कैसी गल है बाबा जी? नबी दे चेहरे दी भी कसम अल्लाह ने खाधी है ते नबी दियां जुल्फां दी कसम भी अल्लाह ने, बोलो अल्लाह ने खाधी। बड़ी मेहरबानी, तुसी बड़ी तवज्जो नाल समाद फरमानी है। नकीबे महफल साहब भी तशरीफ फरमान है ते हुण मेरे नाल दुआ ते जाणगे, ठीक हो गया? इधर मेरे वल तवज्जो फरमाया जी, जिन्हें नात खाने ने तुसा भी मेरे नाल ही। बाबा जी जुमले समाद फरमायो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, चेहरे की कसम चुकी तो चेहरा किदा? मुस्तफा दा चेहरा, हजूर दा। अल्लाह ने फरमाया तेरे चेहरे की कसम है। इधर मेरे वाल तक्यो, नबी पाक बाबा जी एक दिन मस्जिद नबवी जावे, सही मुस्लिम दी हदीस, सही मुस्लिम, नबी पाक मस्जिद नबवी जाए चंद साहबा कट्ठे हो के ना तो महफल पे करते सन। इमाम मुस्लिम ने हदीस ना लैके आओ मैं लख रुपया जुर्माना देंगा जे हदीस ना हो। मस्जिद केड़ी है? मस्जिद नबवी। बोलो मस्जिद केड़ी है? मस्जिद नबवी है। सहाबा इकराम नबी पाक दे गुलाम ने इंज गोलदारा बना के ना ते महफल पे करदे सन। कारी साहब हजूर अंदर आए, मेरे नबी सहाबा नु आके सलाम किया, फरमाया सहाबा की पे करदे सो? हजूर चर्चा पे करने सन, जिक्र पे करने सन। फरमाया किदा? फरमाया पहलिया नबिया का। अच्छा पहलिया नबिया का वह किवें? एक सहाबी ने अर्ज की, हजूर असी पे ये सोचने स कि ए आ जा पुत्र तू भी आ जा, इतना आ जा इत को आ जा, हूँ मेरे नाल ही जाना तुस। इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाओ जी, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमा रहे हैं तो मुस्तफा के चेहरे की गल होनी है। बड़ी तवज्जो ना इश्क ना प्रीत ना सुनियो जे, सहाबा इकराम ने महफल सजाया। सुनिया तो इतराज़ होंगे वे तुसी मसीते महफल कराई है, नमाज तुसी पढ़ते नहीं और तुसी काम करते नहीं, तो मैं क्या जेड़ा चंगा करते ने वो तो करन दे, वे इन्हों महफल तो भी रोक दो कहीं ना मसीते वड़न। जे चलो साल बाद ही मस्जिद च आ जाते हैं महफल च आ जाते हैं, वो आउन ते दे मस्जिद च वड़न ते दे, पता नहीं किस महफल ते अल्लाह का करम हो जाए। अल्लाह नमाजी भी बना छड़े, अल्लाह परहेजगार भी बना छड़े, तनकीद नहीं ना इसलाह जरूरी है। बाबा जुमले समात फरमाए, साहबा नू नबी पाक ने पूछा की पे कर दे सो? अर्ज की, हजूर असी नबिया का जिक्र पे करने सा कि अल्लाह ने पहले नबिया किनिया शाना अता कीतियां। यह पूरा पिंड सुनियो जी मेहरबानी, किनिया शाना अता कीतियां की उधर ओ बचो की जे तुम दो बारी प्यार ना समझाए यार तुम समझ नहीं आ रही, जे नहीं सुनना तो घाट उड़ जाओ। बाबा जी हजूर महफल दे विच आए तो हजूर ने फरमाया किदा जिक्र? साहब आखन लगे जी असी नबिया का जिक्र पे करने सा कि अल्लाह ने हजरत आदम ने अपने हाथ नाल बनाया। मेहरबानी करो तकरीर समझ वाली आँदी है, ऐ नहीं मैं मशहूर पाक टुर जा तुम्हें समझने लगे। नबिया हज़रत आदम ने अल्लाह ने अपने हाथ नाल बनाया, हज़रत इब्राहिम अल्लाह ने अपना खलील बनाया, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्ला किया गया, हज़रत मूसा कलीमुल्ला बन गए ने, हज़रत ईसा रूहुल्ला बन गए ने। वेखो ना अल्लाह ने किन्निया शाना अपने रसूलों पैगंबरों अता फरमाइया। हजूर मुस्कुरा के आते हैं
वह सारयां दा जिक्र कर लिया जे हुण मैं दसा मैं कौन आ जी मेहरबानी गुजर कराया लिया इत्थे तुहाडे इश्क दा पता लग जाना वे पूरा साल तुसी महफल की तैयारी करते हो किन्नी मुहब्बत नाल बैठे हुए हो फरमाया सारयां नबियां दा जिक्र किया जे सारयां रसूलां दा जिक्र किया जे मैं दसा मैं कौन आ ये हजूर कह रहे ने कायनात दे वाली कह रहे ने जहरा दे बाबे सही मुस्लिम दी हदीस फरमाया मैं अपना तारफ करावा साहबा ने अर्ज की हजूर तुसी तारफ कराओ सानू तो पता तुसी कौन फरमाया नहीं मैं अपनी जुबान च कराना मैं अपनी जुबान च कराना कि मैं कौन एक बारी तुसा सुबहान अल्लाह कहनी है तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना है ते बाबा जी अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं दिल कर सुन फतल बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दराजात फरमाया सहाबा कोई नजी उल्ला बनी आया है कोई सफी उल्ला बन आया है अंदरों सुनी अंदरों कोई खलील उल्ला बन के आया है कोई जबी उल्ला बन के आया है कोई कलीम उल्ला बन के आया है कोई रूह उल्ला बन के आया है फरमाया सहाबा मेरे वली वेखा आना हबीबुल्ला आना हबीबुल्ला होए गुजर कराया दी सरजमीन विच मैं ना लियो मेरे मोहम्मद ने फरमाया फरमाया आना हबीबुल्ला आना हबीबुल्ला फरमाया मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया बड़े बड़े नबी आए ने बड़े बड़े रसूल आए ने बड़िया बड़िया शाना लैके आए ने पर जड़ी शान मोहम्मद लैके आया है उंज दी शान अल्लाह ने किसे नबी नू अता ने कीती उंज दा मकाम किसे नबी ने अता ने कीता इसे वास्ते मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा हां फाजले बरेलवी रहमतुल्ला अलैह दी कलम विचों नक्शा पेश करना मेरे आला हजरत फरमांदे ने सबसे औला आला हमारा इतने गुजर कराया तो पता लग जाना है सबसे आला आला इधर देखो सच्चा हाथ बुलंद करो नबी दे नाम ते हजूर दा वोटी बन गए नबी दा नौकर बन गए एक बारी कहना पैना है सबसे आला आला जी बाबा बड़ी मेहरबानी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा जी जी सबसे बाला आला हमारा हर सुन्नी बोले हर सुन्नी माँ दा पुत्र बोले हर सुन्नी पियो दा पुत्र बोले सबसे ओला आला हमारा नबी सबसे ओला आला हमारा नबी मेरा नबी कौन है मेरा नबी कौन है बाबा जी मक्के दा शहर है मक्के दी गलियां ने बाबा जी एक गुलाम है जड़ा मक्के दे चौक अंदर बाबा जी लेटी आयो आए काफर पे ताने मार देने काफर बाबा जी जुल्म पे कर देने गरम पत्थर पे रख देने ते आंदे ने बोल ते जुबान चू बोल के आंदा है ओए मक्के दियो काफरो मेरा मोहम्मद आज भी आला है मेरा नबी कल भी आला जी कारी साहब जुमले सुने आ रे हे गुलाम बोलदा है रोंदा नहीं तड़पदा नहीं आहनी करदा आंदा उमैया मार लै जिन्ना मारना ही जिन्ना ढिल लाना ही ला लै उमैया युती आके खलो गया आख लगा बिलाल मैं मार दिया थक जाना वा तू मार ही खांदियां थकदा नहीं ओए गुजर कराया दियो चौधरी इधर जुमले सुनिया नहीं मेरे नबी दा आशिक बोलिया फरमाया उमैया पीछे आ जा तेनो पता नहीं मेरा सौदा दरबारे नबवी विच हो गया जी बाबा जुमले सुनिया जे है मैं विक गया वा
मैं वेख गया वा साडा सौदा हो गया जे असा मोहम्मद दी पाक बारगाह विच साडा सौदा हो गया है असी मोहम्मद तो कुर्बान हो गए असी नबी तो कुर्बान हो गए। बाबा जी जुमले सुने ने ओ मैया आखन लगा बिलाल जो मैं घोड़ा मारने की पोजिशन लैंदा वा बिलाल अखा बंद कर लैना है चेहरा वजूहा सुने बिलाल अखा बंद कर लैना वे बिलाल दर्द आंदी आ बिलाल तकलीफ आंदी है फरमाया उमैया पिछाओ जा जो तू घोड़ा मारन की पोजिशन विच आना है मैं अखा बंद कर लैना मैं अखा बंद कर लैना आखन लगा बाबा जुमले समाध कर यार अल्लाह की इज्जत की कसम जुमले दरबार देने वाले ने जनाबे बिलाल आंदे ने उमैया जो तू घोड़ा मारन लगना है मेरिया अखा बंद हो जाने हाँ बिलाल अखा बंद दर्द की वजह तो करना है उन्हें आखिया मुशरका चलना होया है जड़ी मारी यार पिछे पवे ओदे विच दर्द नहीं आता मजा आता है। क्या बात है क्या बात है जड़ी यार पिछे मार पै जाए ओदा दर्द नहीं आता ओदा तमाशा नहीं आता उस दर्द विच प्यार आता है उस दर्द विच मजा आता है। मैया आखन लगा अख बंद क्यों करना बाबा जी जुमले सुनियो अख बंद क्यों करना वे आखन लगा ओ मैया जदों तेरा कौड़ा मेरी कंड ते लगता है मैं अख बंद करना वा जदों अख बंद करना वा मेरे सामने मेरा यार मोहम्मद आ जाता जी इत्थे सुन इश्क नाल मेरे सामने नबी आंदा है मेरे सामने मेरा महबूब आंदा है मेरे सामने नबी आंदा है ते अखां बंद करके बिलाल की आंदा है रो रो की आंदा है याद तेरी दा मैं दीवा पाले आ इश्क नाल याद तेरी दा मैं दीवा पाले याद तेरी दा क्या बात गुजर कराया लो है याद तेरी दा मैं दीवा पाले आवी जा आवी जा तवज्जो आवी जा आवी जा वल्ल ज़ल्फ़ा इंज हाथ बुलंद होण पूरा पिंड गवाई देवे आवी जा वल्ल ज़ल्फ़ा वाले आ क्या बात है यार आवी जा आवी जा आवी जा वल्ल ज़ल्फ़ा वाले आवी जा वल्ल ज़ल्फ़ा वाले सोनिया आ जा अज पूरा गुजर कराया कट्ठा होया है अज सारे पे रोंदे ने आंदे ने कमली वाले एक बारी आ जा महबूबा एक बारी आ जा हा के सीने ला जा कमली वाले तेरा जाना कुछ नहीं गुजर गुराया आलियां दा कम बन जाना फिर मेरे नाल कहना पैना है आवी जा वल्ले ज़ल्फ़ा क्या बात है आवी जा वल्ले ज़ल्फ़ा वाले आवी जा वल्ले ज़ल्फ़ा तवज्जो आवी जा वल्ले ज़ल्फ़ा वा बड़े नबी आए बिलाल मारा प्या खांदा आए नाले नबी नबी आखी जा रहे आए नाले मोहम्मद मोहम्मद आखी जा रहे आए थे आंदा है मैनू कुछ नया खा एक वेला आना है वो हाथ चेहरे वाले ने मैनू सीने ला लेना क्या बात है।
अल्लाह तआला सलामत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत जी मेहरबानी तवज्जो करया ले रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जिदा सौदा नबी दी कचहरी विच हो जाए ना फिर ओदा मुल पैंदा है फिर ओदा मुल पैंदा है जिहड़ा हजूर तू विक जाए हजूर दी जात तू कुर्बान हो जाए इधर तवज्जो करियो जी नबी पाक ने फरमाया सारे नबी शान वाले ने पर मेरे वर्गा कौन है हुण मैं बुखारी शरीफ पढ़ लगा जिहड़े मौलवी आंदे ना कुरान तो बाद बुखारी है इन्हें सारी महफिल डिस्टर्ब इंज करनी वेख लियो तुसीं जे गल ना इंजोय तां गल करियो इधर मेरे वल तवज्जो फरमाया जी नबी पाक ने फरमाया लूणा उठ खलोता जी बह जाओ पुत्र बह जाओ या रसूल इधर मेरे वल तवज्जो फिर सारे माहौल डिस्टर्ब हो जाता ना एक बच्चा भी उठे फिर सारे वेखन लग पैंदे पता नहीं की गल है असल वजह है वे बाबा जी इधर मेरे वल तवज्जो करियो जी बुखारी शरीफ दरवाजे खोल दो मस्जिद के दरवाजे खोल के अगे अन्नी जगह इधर आ जाओ है नुक्कर तो बड़ी जगह बैठी है मस्जिद फुल हो गई है तो चलो इधर बाहर बह जाओ या इधर नुक्कर च आ जाओ इधर मेरे वाल तवज्जो करो टाइम थोड़ा नबी पाक ने फरमाया वे मैं अल्लाह का हबीब बन के आया इधर मेरे वाल तवज्जो करो जी अच्छा हबीब विच ते कलीम विच की फर्क है इधर मेरे वाल हबीब कौन है ते कलीम कौन है सिर्फ ए वंड तुहाडे सामने करनी है बाबा जी कलीम ओ हुंदा है जिन्हों अल्लाह ने किताब देनी हो अल्लाह का 40 रोजे रख गया आ जड़े समझदार बंदे हो पर पंचायत वाले वो गल सुनो कलीम वह होंगे जिन्हों अल्लाह ने अपनी किताब अपना कलाम देना हो अल्लाह फरमाता 40 रोजे रख के या अल्लाह कितने आवा फरमाया कोहे तूर दे कितने होना कोहे कितने होना कोहे तूर ते अच्छा जी ए अल्लाह का नबी नहीं सी हज़रत मूसा रसूल नहीं सन अल्लाह फरमाना जे किताब चाहिए तो फलानी जगह पर आ जा ठीक है ऐवे कलीम जिन्हों अल्लाह खास मकाम ते लिया के किताब देंदा है उत्थे बुला के रोजे रखा के ते जिहड़ा हबीब होवे ना अल्लाह फरमाना सोणिया तू टुरदा जा असी कुरान नाजिल करदे जा जिन्हों समझ लगी वह आखे सुबहान अल्लाह ऐ हबीब फरमाया तू टुरदा जा तू जिस तेल नू हाथां दे नाल मल के जुल्फां ते लावेंगा ना असी उस तेल दी कसम चुक लवांगे मैं कुरान पे पढ़ना को गोल हीरां जा नहीं पे पढ़दा अल्लाह फरमांदा वत्तीन वज़ैतून मैनू किसे एक मौलवी दा तर्जमा लैके दसो जे ना गल विचों निकले तो मैं जुर्मदार होवांगा अल्लाह फरमांदा मैनू इंजीर की कसम है अल्लाह फरमांदा मैनू जैतून की कसम है बाबा जी ए जैतून जिदू कसम चुकी गई है सिर्फ जैतून उदू तो नहीं आया जैतून तो पहला दा दरखत सी ना दरखत विचों तेल निकलिया मैं कह या अल्लाह जैतून तो पहला दा सी पहला कसम नहीं चुकी फरमाया पहला यार दे हाथों से आया ही नहीं क्या बात है तवज्जो पहला यार दे हाथों से आया नहीं हुण यार दे हाथों से आया मेरे यार ने उस तेल नू मल के ना अपनी जुल्फां ते लाया अल्लाह नू अदा एडी पसंद आई फरमाया मैनू जैतून की कसम है या अल्लाह वजह की फरमाया दी निस्बत मेरे नबी नाल हो गई हबीब होंदा है किबला हबीब होंदा है जेड़ा इशारा करे अल्लाह चने दे दो टुकड़े कर छड़े हबीब होंदा है जेड़ा इशारा करे अल्लाह डुबिया सूरज वापस मोड़ देंदा है ए हबीब है फरमाया हबीब क्यों परेशान है या अल्लाह ये मक्के वाले नहीं मानते फरमाया ना मनन असां ते मन्ने आ ना क्या बात है असां ते मन्ने आ बाबा गल इत्थे नहीं मेरे करीम सोहणे नबी वर्गा नबी सोहणा हजूर तू हसीन जो बिलाल नू मार पैंदी सी ना ते हज़रत बिलाल अख बंद कर दें तो सामने नबी पाक की ज़ियारत होंदी सी एवें गल यार हजूर दे पिछू मार खानी ज़ियारत होनी हजूर नू वेखना आ जुमले समाद फरमायो तो एक दिन रो के ना ख्वाब विच आखन लगे सोहणिया कदों कोल बुलावेंगा फरमाया अन करीब बिलाल तेरा सीना मुस्तफा दे सीने दे नाल लगा तेरा सीना हजूर दे सीने दे नाल बाबा असी की तकलीफा सहियां ने इस्लाम वास्ते जी दसो हाँ सानू किसे मारिया साढ़े गल विच किसे कपड़ा पा के किसे पिंड च घसीटिया सानू किसे थप्पड़ मारिया असा की कीता बाबा सानू मां दी गोद विच इस्लाम मिल गया
सानू अब्बे दे वेड़े इस्लाम मिल गया, सानू कदर कोई नहीं। उन्हां सहाबा नू पुछो बाबा जिन्हां दे जिस्मां दे दो टुकड़े हो गए, उन्हां हजूर दा नां लैणा छड़िया, हजूर दी जात दा नां लैणा छड़िया नहीं, अल्लाह की कसम वेख गए जिस्मां दियां बोटियां बोटियां हो गई, ते हर खून दे कतरे विचों इको आवाज़ आ रही है, आए हाए हाए इको ही आवाज आ रही है। और आवाज केड़ी आ रही है, जुमले समाज फरमायो सहाबा नू पुछ लवो, जिन्हें गुजर कराया वाले बैठे हो जुमले सुनना जे, हर सहाबी दे खून दे कतरे कतरे विचों एहो आवाज आंदी आनी है, सरकार जे आसाना आया ना जी, मेहरबानी मेहरबानी इश्क नाल, सरकार जे आसाना आया ना आना है नारा बने बनाया है, इत्थे वेख नहीं हो इत्थे जोश वे, नारा बने बनाया है नारा बने बनाना है, हाथ बुलंदी करके सबों दे कमली वालिया, मैं चौधरी बन के नहीं बैठा हजूर, मैं जज बन के नहीं बैठा हजूर, मैं गुराया बन के नहीं बैठा, मैं तेरा नौकरी बन के बैठा वा, ते हाथ चुक के कह रहा सरकार जे आसाना आया ना आना है, क्या बात तेरी, सरकार जे आसाना आया आओ मैं नबी दी हदीस सुना लगा, हजरत जाबर नबी दे सामने खड़े ने, फरमांदे ने चौदवी दा चन पिया चमकदा है, मैं कदी नबी दे चेहरे नू वेख रहा, कदी आसमान दे चन नू वेख रहा, मेरे नबी ने जाबर नू वेखिया, फरमाया जाबर की पिया करना है, सोनिया कदी आसमान दा चन पिया वे नामा, कदी आमीना दा चन पिया वे नामा, जी बाबा जुमने सुन जाई, अल्लाह दी कसम तेरी महफल कबूल होए, कदी मैं आसमान दा चन वेना, कदी मैं मुसलमाना दा नबी दा चन वेना, हजूर कदी तुहाडा चेहरा वेना, हजूर कदी आसमान दा चन वेना, मेरे नबी ने फरमाया जाबर जी आका, फरमाया की रिजल्ट कढ़िया आई, हज कीती कमली वालिया रिजल्ट है कढ़िया है, जेड़ा आसमान दा चौदवी दा जाने ओदे चेहरे ते दाग ने, जेड़ा मेरे मोहम्मद दा चेहरा है साफे, जी बाबा जुमले सुनिया ने, हे मोहम्मद दा चेहरा सावे, फिर मैनू कहना पैना सरकार जे आसाना आया ना आना है, सरकार जे आसाना बल्ले जी बल्ले गुजर कराया वाले नंबर लै गए, सरकार जे आसाना आया ना आना है नारा बने बनाया है नारा बने बनाना, मेहरबानी मेहरबानी नारा बने बनाया है नारा बने बनाना है, बोलो बोलो ना नारा बने बनाया है नारा बने बनाना है, सरकार जिया सोना सोना सरकार जिया सोना, क्या बात है यार तुहाड़ी मोहब्बत दी, सरकार जिया सोना सोना सरकार जिया सोना 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 सरकार जिया सोना आया ना आना है नारा बने बनाया है नारा बने बनाना। फिर मेरा ईमान आंदा मैं अगली गल भी सुना छदा, जिस दिन दा मैं सुने आए जिदा हाथ सलामत एक बारी आखे सुभान अल्लाह, जिस दिन दा मैं सुने आए जी खरीदाए मारी जावा, क्या बात है, जिस दिन दा मैं सुने आए जी खरीदाए मारी जावा, क्यों
विच कवर दे आखाने दीदार कराना नाराय रिसालत नाराय रिसालत नाराय रिसालत विच कवर दे आखाने दीदार कराना नारा बने बना याए नारा बने बना। मैं दुआ करना ए दे सदके अल्लाह फौत होने वाली बख्शी फरमा छे इस जिक्र दे सदका आखिरी गल उस तो बाद इजाजत ठीक है जी कि इत्थे छड़ दईए इधर मेरे वाल तको जे आंदे हो छड़ देने इत्थे असी तो अगे तीन प्रोग्राम सुबह तो किए ने चौथा भी करना है थोड़ी मुहब्बत वास्ते पे पढ़ना सा इधर मेरे वाल सुनो आखिरी गल करने उस तो बाद इजाजत ये पाक महफल है इन्हों के सदके तो कबर साफ होनी है इस वास्ते जराते जी वकार हूँ मौल खराब ना करो भी सारे उठ के तो बहर टुरन लग पवो ऐलान हो गया बस बह जाओ पांच छः मिनट उस तो बाद तुर जाओ जिथे जिथे जाना है एडी सोहनी साल बाद महफल करा दो सारा निस्त मारन लगे हूँ बस तीन चार मिनट जो उस तो बाद चले जायो इजाजत है इधर मेरे वाल तवज्जो करो जी गल आखरी बाबा जी हजूर दे नां दा सदका सा बख्शिया जाना जिन्हें जिन्हें बख्शिया जाना हाथ चुके हैं सारे नबी दे आशक बैठे ने हजूर दे गुलाम बैठे ने गुजर गुराया लियो सियालकोट दे एक अलामा साहब होए ने बड़ा वड्डा नाँ है अलामा जियाउल्ला कादरी साहब जान दे कोई नहीं अलामा जियाउल्ला कादरी साहब ने बुजुर्गों जान दे बुजुर्ग जानते होने ना बच्चों को नवयां नू कोई नहीं पता अलामा जियाउल्ला कादरी साहब सियालकोट के चोटी दे आलमे दीन होए ने और मैं बाबा जी मुल्तान गया तो उत्थे मैं नाम लिया तो उत्थे आंदे ने असी किन्नी वारी बुलाया उन्होंने और लाहौर गया तो उत्थे मैं पुछे आंदे ने असां भी किन्नी वारी बुलाया एडा वड्डा आलमे दीन ते शेर पुत्र दा मां सी शेर पुत्र सी ते शेर नहीं मां दा बच्चा सी अल्लाह दी कसम है इंज दा आलमे दीन होया मनाजरे इस्लाम किताबां दो संदूक कोल रखे होंदे सन 24 घंटे आंदे सन जिन्हें गल करनी आओ मेरे सामने पेड़ विच आओ मैदान विच आओ गल कर लगा 4-5 मिनट दी उस तो बाद इजाजत जुमले सुन जाया जे अलामा जियाउल्ला कादरी साहब कोल दो बंदे तीन बंदे बाबा जी आ गए ते आए केड़ी जगह तू विहाड़ी तू केड़ी जगह तू आए इधर तवज्जो करे विहाड़ी तो आ गए दो तीन बंदे टाइम लैण वास्ते महफल दा नमूसे रिसालत दी गल है हजूर दे चेहरे दी गल है खत्मे नबूवत दी गल है उन्हें कहा जी कादरी साहब तुहाडा सां बड़ा नाँ सुनिया असी तुहानू बुलाना चाहते हैं विहाड़ी आपने फरमाया कोई गल नहीं टाइम देंगे टाइम मुकर्र हो गया उदू कारां शारां ते कोई नहीं सन भी कार लैके टुर जाते वो बाबा जी अलामा जियाउल्ला कादरी साहब नाल दो शागिर्द ले संदूक किताबां दा लिया ते लोकल बस ते नाल विहाड़ी पहुँचे दीन दी खिदमत करन वाले सुन वेखियो लोकल विहाड़ी पहुँचे 12 बजे उन्होंने कोल पहुँच के महफल वाली जगह वो महफल वाले आख्या भाई कारी साहब इतने तो मसला हो गया साढ़े पिंड उन्हें क्या कहा मसला हो गया उन्हें कहा जी मसला यह हो गया साढ़े पिंड ने मरजाई ज्यादा तो वह कहते ने भी असी थोड़ा जलसा होने देना हूँ इस तो वीड्डी तो गल मेरे कोई नहीं जो मैं छड़ देता ना तो जाया हो जाने से मेरा मैं भी मरहूम हो जाना सी तुसा भी इस गल तो रब्बे काबा की कसम बाबा जी जुमले सुनियो अगू महफल कराओ ना कराओ तुहाड़ी मर्जी पर यह महफल नूं खराब ना करे मेहरबानी जिहड़े 2-4 मिनट रहे उन्हें कहा जी साढ़े पिंड मरजाई ज्यादा ने वह आँदे ने भी असी तुहाड़ा नमूसे रिसाले दा खत्मे नबूवत दा जलसा होने देना जे तुसां जलसा कराया तो असी तुहाड़ियां कुड़ियां माज़ अल्लाह नाउज़ बिल्ला कढ लांगे इज्जतां तुहाड़ियां खराब करांगे तुहानूं मारांगे कुटांगे कतल हो जाणगे इत्थे जलसा नहीं होवेगा उन्हें कहा कारी साहब तुसीं जिहड़ा अपना किराया लैणा लो तो तुसीं सियालकोट टुर जाओ क्योंकि मामला तो खराब हो गया पिंड विच लड़ाई झगड़ा होगा अलामा साहब मुस्कुरा के आखन लगे भी हूँ मैं आ गया इंज तो जाना कोई नहीं जेड़े बैठे हो जिन्हों का ध्यान इतने भी वह बोलन सुबान गल करोड़ों की दे चला जे अगले साल तक इंशाला तुम्हें लुत्फ दें रहेगी उन्हें कहा भी हूँ जो मैंने बुला लिया जे तो फिर ये तो मेरी बिस्ती भी मैं जाव मनाजरे सलाम इंज उठ के आ गया गल्ला करते सन मिंबर तू जान भी हाजर है तू हूँ उतू जी तू पता लगा तो वापस सियालकोट आ गया ये तो गल नहीं होनी उन्हें कहा फिर इतने कतल करवाने जो उन्हें कहा कतल नहीं होंगे तुम मैनू दसो भी तुहाडे इलाके विच कोई डंडे सोटे वाला बंदा है बाबा फिर जिमें जिमें अगला बोलना उदू उंज ही जवाब देना ना फिर इधर कोई डंडे सोटे वाला यदा मतलब है कोई डाकू शाकू कोई नामवर है
उन्हें कहा जी अगे लड़ाई नहीं भी मुकदी तुम अगू डाकुआ का नाम लैन लग पे हो। आपने फरमाया दसो दस उन्हें कहा नाल पिंड उत्थे डेरा एक डाकू का बड़ा मशहूर है ना है नूरा डाकू। की ना है बाबा जी अल्लाह की कसम एक गल अंदरू सुनी तो तेन मुल पवेगा तेरा इतने बहन का मैसेज। नूरा डाकू का ना है तो बड़ा मशहूर है लोग वो डरते हैं हर फिरके का बंदा डरता हर मजहब का बंदा डरता है वो बड़ा खतरनाक है। आपने फरमाया चलो फिर वो टांगे वाले नूं बुलाओ तो उत्थे चलीए जी मुल पवेगा इंशाला बैन का इंज नहीं तुसी जाओगे। रब्बे काबा की कसमें जुमले सुने जो इन्नी गल की ना नूरा डाकू आपने टांगा कराया नाल दो चार बंदे जिहड़े महल्ले दे सन चौधरी लंबरदार उन्होंने बिठाया तो नूरे की वेली। हाँ जी मौलवी जी किवें आए हो ऐ जी नूरे तेरे नाल कम पै गया। बड़े सादे बंदे सन अलामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब उन्होंने लहजे में उन्होंने गल समझाई फिर तेरे नाल कम पै गया। उन्हें कहा मौलवी नूं कम तो मेरे नाल उन्हें कहा भी मौलवी तो मेरे नाल कम मेरा मेरा शोभा लहदा तुहाडा शोभा लहदा तो मेरे नाल मेरे बूहे ते। उन्हें कहा भी नूरिया गल है वे सियालकोट आया तो जिस नबी का कलमा तू पढ़िया ना उस नबी का कलमा मैं पढ़िया। इधर गल सुनियो तो सियालकोट चल के आया तो ऐ नहीं फरमाया मैं मनाजर इस्लाम हाँ बड़ा वड्डा मौलवी हाँ। आपने फरमाया मैं भी उस नबी का नौकर हाँ तू भी उस नबी का नौकर है तो गल आ गई है तेरे नबी की इज्जत है अच गल आ गई है नबी की नमूस से तो कुछ बंदे ने फलाने पिंड नहीं उन्हें आख्या तेरे नबी का जलसा असा करान देना। बाबा वो जी अलामा ज़ियाउल्लाह कादरी की गल सी ना वो नूरे डाकू के दिल से वज गई आए हाए वो दिल से गर कर गई अंदरू दिल की मैल उतरनी शुरू हो गई। नूरा इंज मंजी तो उठ के गुस्से ना खलोता उन्हें कहा मौलवी जी जे मेरे बूहे ते आए हो ना तो जे गल नबी की इज्जत दी है ना फिर माँ ने कोई पुत्र इंज का जमया नहीं जेड़ा नबी का जलसा रोक सके। बाबा बड़ी मेहरबानी तवज्जो अंदरू गल है ए, मैं फला मौलवियां लिया नहीं अंदरू गल सुनियो मौलवी जी तुसी स्पीकर खोलो शाम नू जलसा कराओ। ठीक है जी बाबा जी वह मरजाइया भी अपना सारा इंतजाम कर लिया भी जलसा नहीं आन देना। हूँ मौलवी साहब आ गए पूरा पिंड आ गया उन्हें कहा जी भी महफल होनी उन्हें कहा किवें महफल होनी असं तो बड़ा डराया है मौलवी तू जी नस जाना चाहिए से उन्हें कहा नहीं जी होनी इशा की अजान हुई महफल शुरू हो गई। उधरू बाबा जी वो जो महफल शुरू हुई ना तो बार वाले स्पीकर लगे तो मरजाई आन लगे तो उधरू वेख्या तो नूरा डाकू भी आए पे आए हाए हाए इतने जुमले सुनी रब्बे काबा की इज्जत की कसम है जे दिल की दुनिया ना ना बदली तो गल कर रे बाबा जी अलामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब आस्था आस्था तकरीर पे कर दे रहे सामने दरवाजे ते नूरा डाकू खड़ा है फरमाया मौलवी जी चस नहीं आनी जरा उची आवाज नाल नबी दा नाम लवा अजी पता लगेगा जेड़ा महान पुत्र जमया है जेड़ा नूरे डाकू दे सामने आवे अज नबी दी इज्जत ते गल होएगी अज नबी दी नमूस ते गल होएगी अल्लाह दी कसम उठा के आना गुजर कराया आलियो सारी तकरीर ते नूरा डाकू बारी खड़ा रहा है ते खड़ा रहा है ते आंदा रहा है जे किसे महान दा दुध पीता है आए मेरे नबी दा जलसा रोके अज मैं दसांगा अज मैं दसांगा अज नूरा डाकू आया है। बाबा जी थले बह जाओ जुमले सुनिया है जिदे इन्नी गल की नूरा डाकू दरवाजे ते खड़ा रहा है खलोता रहा है हन बन्ने आ जाओ अज नूरा या पी आया है जिन्हें बीवियां बेवा करानिया ने अज बन्ने आके जलसा रोगे जिन्हें बच्चे यतीम कराने ने अज मेरे सामने आ जाए आखन लगे मौलवी जी रज के बोलो ते रज के बोलो ज के बोलना जे अज नबी की नमूस की गल आनी है अज मेरे मुहम्मद की इज्जत की गल आनी है। बाबा जी सारी महफल बिच सामने खलोता रहा है दरवाजे ते रोंदा रहा है खंदा कमली वाले आ सारी जिंदगी चोरियां कीतियां ने अज तेरी नमूस ते पैरा दे चला अज तेरी इज्जत ते पैरा दे चला। बाबा जी महफल मुक गई है दुनिया करो करी तुर गई है चंद साल तू बाद नूरा डाकू सियालकोट आया है आके अलामा साहब नू मिलन आया आखन लगा ज़ियाउल्लाह
मौला कादरी साहब मैनू पहचानिया जे मैं कौन आ। अलामा साहब आखन लगे मैं नहीं पहचानिया तू कौन है। उन्हें आखिया मैं ओ ही नूरा डकोम आ जिन्हें बिहाड़ी के अंदर नबी दी नमूस ते पैरा दिता है। अलामा साहब आखन लगे मैं पहचानिया नहीं उदों दाड़ी भी कोई नहीं मुछा भी वड़िया वड़िया ने हुण दाड़ी भी रखी है सिर ते पगड़ी भी पाई है। इत्थे सुनी हुण दाड़ी भी रखी हुई है सिर ते पगड़ी भी पाई हुई है सुन्नत नबी दी सजाई हुई है। अलामा साहब आखन लगे नूरिया ये किवें होया है। फरमाया अलामा साहब जदों महफल मुकी है सारे घरों करी चले गए मैं अपने डेरे ते टुर गया वा खती रात वेला होया वे मैनू किसी ने आके जगाया है। उन्हें आखिया नूरिया तू नबी दी नमूस ते पैरा दिता है अज तैनू मिलन जहरा दा बाबा आया अज तैनू मिलन जहरा दा बाबा आया है अज तैनू मिलन मुहम्मद आया है अज तैनू वेखण मुस्तफा आया है। नूरा आंदा मौलवी जी मेरिया लत्तां कंबदियां पईयां ने मैं नबी दियां पैरां विच डिग पिया वा मैं क्या सोने एडा मेरे ते करम कीता जे। फरमाया नूरिया की समझना है जे तू अद्धी रात साड़ी इज्जत ते पैरां दे सकना है फिर असी तैनू चोर तो वली बना सकने नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत। की समझ दो यार हुजूर दी महफिल कोई तमाश भी नहीं कोई मजाक बाजी अंदर बह पैरा ते दे के जे मदीनियो खैरात ना आवे ते तां गल करी फरमाया सोने ज़ियारत कराई ते दीदार करा के फरमाया नूरिया हुण तू डाकू नहीं रहा अगे लोकां दे डाके मारना सै हुण नबी दी इज्जत हिफाजत कीती आ जा असां तैनूं कबूल कर लिया। अंदर लामा साहब ओ दिन ते अज दा दिन कदी नमाज नहीं छड़ी चेहरे ते दाड़ी रख लई ते लोगों नूं पता लग गया ओए ओ जो नूरा हाय 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 ओ जो नूरा जिन्हें नबी दी इज्जत पहरा दिता सी अज मुस्तफा ने आके नाले ज़ियारत करवाई है नाले अपने रंग विच रंग छड़े। इत्थे मियां साहब दा इक शेर दोस्त बाद दरूद सलाम उस तों बाद दुआ बाबा जी खड़ी दे ताजदार मियाँ साहब ने कैसी गल की थी रूमी कश्मीर तड़पा के जिमें जोश ना जज्बे ना तुसा सुने ऐ ही सुनने का हक है जी ऐ ही तरीका है लटा दे हजूर तो जान माल हर चीज़ फिर मरण का भी मज़ा आएगा फिर जनाजा उठन का भी मज़ा आएगा। ते मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमी कश्मीर ने कलम उठाई है ते मियाँ साहब फरमाते ने कच्चा रंग लला री वाला ते चढ़दा लैंदा रहंदा है पक्का रंगी मोहम्मद वाला जेड़ा चढ़िया फिरे नहीं लैंदा